भारत परंपरावां दा देश है। इत्थे कई परंपरावां दा जिक्र सुन के श्रद्धा नाल सिर झुक जांदा है, जबकि कुछ परंपरावां इन्नियां विलक्षण हन कि उन्हां बारे सुन के कोई भी दंग रह सकदा है। हिमाचल प्रदेश दे शिमला जिले च दिवाली तो एक दिन बाद पत्थरबाजी दी परंपरा है। जी हाँ, दो गुटां दे लोग एक दूजे ते पथरा करदे हन अते पत्थरबाजी ओदो ही रुक जांदी है जदों कोई जख्मी हो जांदा है। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹਲੋਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ 13 नवंबर नूं भी दो पिंडां दे लोकां ने पथरा कीता अते इस रवायत दा पालन कीता। इह पत्थरबाजी उदों ही रुकदी है जदों कोई व्यक्ति जख्मी हो जांदा है अते खून वहण लगदा है। सोमवार नूं होए इस पथरा मेले दे विच दो गुटां विचाले करीब 40 मिंट तक पत्थरबाजी हुंदी रही। आखिरकार गालोग पिंड दे नौजवान नूं पत्थर लगण तों बाद जदों खून वगण लग्या ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਥਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਦਰਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਿ ਯਹਾਂ ਜੋ ਭਦਰ ਕਾਲੀ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਮੇਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ, ਵਹਾਂ ਕਿਸੀ ਟਾਈਮ ਨਰਬਲੀ ਲਗਤੀ ਥੀ, ਨਰਬਲੀ। ਤੋ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਡੋਲਾ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਵੋ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। तो उन्होंने डिसाइड किया भी मैं यहाँ सेक्रीफाइस करूँगी, लेकिन आज के बाद कोई पत्थर नरबली नहीं लगेगी और यहाँ पत्थर फेंकेंगे ऊंचे एक दूसरे प्यार से, और जिसमें कहीं लग जाएगा उसका तिलक माता को कर देंगे या उस धरती पर गिर जाएगा, माता की जगह तेरा बिगो आर पार, तो फिर मेला बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मेला स्टार्ट होता है तो वहाँ से जो अरस्टवाइज राजा रूलर की जो पैलेस है, वहाँ से नरसिंह महाराज की ड्योढ़ी से वहाँ बाजे गाजे के साथ पूजा अर्चना के बाद प्रोसेशन स्टार्ट होता है, और वो वहाँ से पुजारी लोग वो पुष्प लेके वहाँ सती माता के वहाँ चढ़ाएंगे जो सराउंडेड स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद न वहाँ पूजा अर्चना होगी भद्रकाली माता के मंदिर में, फिर वो भेड़ स्टार्ट होगा पत्थरों का खेल। फिर जो पाली एक साइड में जमोगी होंगे और जो रॉयल साइड से वहाँ कटेड़ू जमोगी तुनड़ू धगोई, ये तो दो तीन क्लैंस हैं, ये खून इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लेडीज़ और आउटसाइडर्स को पार्टिसिपेट करने को अलाउड नहीं है। तो बाकी वैसे मेला चला रहा है, ये बुराई पर अच्छाई है कि भाई उस माता ने उसको ये नरबली रोकने के लिए ये अपन को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद ये कोई नरबली नहीं हुई। लेकिन इस तरीके दिवाली के दूसरे रोज मेला सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। पत्थरबाजी दे इस मेले नु देखण दे लई दूर दुराड़ियों लोग पहुंचदे ने। ए पत्थरबाजी चलदी रहंदी है ते उत्थे लोग इस दा आनंद लैंदे ने। ए किया जांदा है कि ए रवायत बहुत टाइम तो चलदी आ रही है, जिस दा आनंद लैण दे लई दूर दुराड़ियों लोग पहुंचदे ने। की कुछ कहना है मौके ते पहुंचे लोकां दा, तुसीं वी सुणो। जहाँ से पत्थर मारते हैं वो काफ़ी दूरी से मारे जाते हैं, बहुत दूर से मारे जाते हैं, सीधा पत्थर नहीं मारा जाता, क्योंकि एक बड़ा इतिहास से उससे मनाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है वहाँ पे कि कोई ऐसा कोई तत्व असामाजिक तत्व वहाँ पे कोई गड़बड़ ना करे। और ये हम जो है ये बिल्कुल कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं कोई दुर्घटना हुई हो। इतने ऐतिहासिक मेला है, सैकड़ों वर्ष पुराना मेला है, पर काफ़ी इसका हम बड़ी सेफ्टी से मनाया जाता है। और इसको कंक्लूड तब होता है जब किसी को हमारे जो खुंद है, जो खुंद ही खेल सकती है इसमें, उसके अलावा कोई इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमने पहले वहाँ पे लिख के भी शारड़े में लिख के भी लगाया है, और हम वैसे भी बताते हैं कि यहाँ पे कोई और पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ खुंद पार्टिसिपेट करे। और जब ये खुंद को किसी को पत्थर लगता है तो रक्त लगाया जाता है भद्रकाली को जो माता है, और उसके बाद ये संपन्न होती है। इनमें हमारे कुछ कास्ट के हरिजन लोग हैं और कुछ जो यहाँ पे राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, उनका है। इसमें ब्राह्मण लोगों को नहीं लिया जाता क्योंकि ब्राह्मण एक पूजनीय माने जाते हैं, तो उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते। बाकी हम लोग ये सारे जो खुंद हैं ये राज परिवार के साथ मिलके ये खेल मनाते हैं।